एशिया कप में विराट कोहली का नया हथियार करेगा हर टीम पर बात। नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। विराट कोहली, ये नाम हमेशा चर्चाओं में ही बना रहता है क्योंकि विराट कोहली का कद इतना बड़ा है कि अगर वो रन ना बनाए, अगर वो फॉर्म में हो, तो उनकी बातें होनी ही है। तो इसी बीच विराट कोहली की बातें जो है लगातार फिर से होने लगी है क्योंकि एशिया कप नज़दीक आ रहा है। अब मात्र 4 दिन बचे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में, और ऐसे में पिछली बार जब भारत पाकिस्तान की टीम, दोनों ही टीमें आपस में भिड़ी थी, तब विराट कोहली ने ही भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो ऐसे में अब फिर से एक बार विराट कोहली के ऊपर लगातार दारोमदार आ गया है रन बनाने का। वहीं देखिए विराट कोहली की हम बात करें तो पिछले कुछ समय से विराट कोहली ना तो फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में विराट कोहली इतने अच्छी फॉर्म में दिख नहीं रहे, वो बड़े रन विराट कोहली के बल्ले से आ नहीं रहे। जी हाँ, हर कोई विराट कोहली से कामना करता है कि विराट कोहली शतक बनाए, लेकिन 70-80 के आसपास तक तो विराट कोहली पहुंच रहे हैं, लेकिन विराट कोहली रन नहीं बना रहे। आखिरी शतक विराट कोहली का 2019 में आया था पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले में, जो अपना भारत पहली बार खेल रहा था बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के मैदान पर। उसके बाद विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक नहीं आया। और बार बार हम बल्ले की बात क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम वही बताने जा रहे हैं कि विराट कोहली का कौन सा ऐसा नया हथियार है। देखिए विराट कोहली एशिया कप में एक नए हथियार के साथ आपको नजर आएंगे। और जी हाँ, बल्लेबाज के पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, वो उसका बल्ला। और विराट कोहली इस एशिया कप 2022 में MRF के लिमिटेड एडिशन बैट से खेल सकते हैं। जी हाँ, ये MRF का लिमिटेड एडिशन बैट विराट कोहली अगर अपने हाथों में अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो फॉर्म है वो वापस आ जाएगी। सोशल मीडिया पर लगातार जब से विराट कोहली की तरफ से ये रिप्लाई आया है कि शायद वो उस बल्ले से खेलेंगे, तब से सोशल मीडिया पर एक बहार आ गई है कि विराट कोहली नए बल्ले से खेलेंगे, इस बल्ले से विराट कोहली कमाल करेंगे, विराट कोहली एक बार फिर से फॉर्म में आ जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का पहला मुकाबला है वहाँ पर विराट कोहली रन बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये सोशल मीडिया पर विराट कोहली की तरफ से एक इंडिकेशन मिला है बल्ले का, तभी से विराट कोहली के बारे में लगातार बातें जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में विराट कोहली की फॉर्म क्या रहती है। विराट कोहली ने अपना आखिरी मुकाबला अभी इंग्लैंड दौरे में खेला था और वहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन हुआ नहीं था, तो लगातार विराट कोहली उनकी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। अब देखना होगा विराट कोहली क्या वाकई में इस बल्ले से कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूर्व क्रिकेटर्स, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हों या इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के हों, वो लगातार विराट कोहली के बारे में ये बातें बोल ही रहे हैं कि एशिया कप में विराट कोहली जो है वो फॉर्म में आ जाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कॉमेंट कर अपनी राय जरूर रखें विराट कोहली के नए हथियार यानी विराट कोहली के नए बल्ले के ऊपर। और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।